हरियाणा में कोरोना का बढ़ता खतरा, सरकारी स्कूलों के 21,816 टीचरों को भी लगवानी पड़ेगी डोज। स्कूलों में शिक्षक और गैर शिक्षक के लिए जरूरी, और ये वैक्सीन लगवाती युवतियां। प्रदेश में सरकारी स्कूलों के टीचरों को भी अब कोरोना वैक्सीन नेशन कैंप में डोज लगवानी अनिवार्य कर दी गई है। शिक्षा निदेशालय के इस फैसले से प्रदेश के उन टीचरों को भी डोज लगवानी पड़ेगी जो कि अब तक डोज लगवाने से बचते आ रहे हैं। प्रदेश में करीब 21,816 टीचर ऐसे हैं जिन्होंने डोज नहीं लगवाई। प्रदेश में 1,04,123 टीचर हैं, इनमें से करीब 28,232 टीचर ने पहली डोज और 54,075 ने दोनों डोज लगवाई हैं। अवसर ऐप पर रखा जाएगा डाटा मेंटेन। हरियाणा सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल को स्कूली बच्चों को लगी कोरोना वैक्सीन की डोज का रिकॉर्ड रखना होगा। प्रिंसिपल अवसर ऐप पर बच्चे का रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे और मुख्यालय को भेजेंगे। इस संबंध में स्कूल निदेशालय ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ये भरना होगा डाटा, स्टूडेंट वैक्सीनेशन, क्लास सेक्शन, नाम, डेट ऑफ बर्थ, पहली डोज दूसरी डोज का रिकॉर्ड अवसर ऐप पर अपलोड करना किया जाएगा। बता दें कि सरकार ने स्कूलों में 10 जनवरी तक विशेष कैंप लगवाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि 15 से 18 आयु वर्ग के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को वैक्सीन लगवाई जा सके। प्रदेश में करीब 15,40,000 बच्चों को वैक्सीन लगाए जाने का लक्ष्य है। अब तक तो 2,00,000 से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। 5 जनवरी को प्रदेश में 2,38,393 लोगों को डोज लगाई गई, जिनमें 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चे भी शामिल हैं। कुल 2,176 केस आए हैं। तो ये अब स्कूलों के अध्यापकों के लिए जरूरी हुई कोरोना वैक्सीन और लगवानी पड़ेगी अब। तो कैसी लगी अपडेट बताना जरूर साथियों। अगर अपडेट अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। नमस्कार, वंदे मातरम, राम राम।